आई होप आपने फर्स्ट व्लॉग देख लिया है. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द दिल्ली टू मुंबई सीन. ये लड़कियां मुझे बेटी देने वाली मुझे लग रहा है. कौन यार? अबे नहीं, तेरे को नहीं लेकर आ रही बस. अबे क्योंकि मैं पूरी वाली पे उतर गई थी. कौन भाई? Hello! We are finally back to Mumbai. जय माता दी. इतनी साफ सुथरी किचन कैसे है? गुड मॉर्निंग. हेलो, देख रही है मेरे दिन? तो गाइस, मैंने दो ब्लॉग इसलिए डिवाइड किए. एक मेरा इंडियन रेलवे का ट्रैवल रहेगा और दूसरे में मैं देखना चाहती हूँ कि मैं एक्चुअली मेरी लड़कियों ने ना बहुत कुछ प्लान किया है मेरे लिए, तो मैं वो सब रिकॉर्ड करके आप लोग के लिए लेकर आने वाली हूँ. कितना नाटक कर रहे हो भाई. अभी ऊपर ये लोग मुझे बोल रहे थे कि कांक्षा व्लॉग कर ले, व्लॉग कर ले, व्लॉग कर ले. हेलो गाइस. हेलो, व्हाट्स अप? क्या क्या प्लान किया फिर आज तुम लोगों ने मेरे लिए? ओह माय गॉड, देखा मैंने बहुत अच्छा किया ना, जब मैंने दो दो क्लास में पांच में डिवाइड कर दिया. तो अभी हम लोग की मेन लेट आएगी 12 बजे आज तो आंटी. तो फिर अभी हम लोग मानसून जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी. मैंने तो सैंडविच बना के खिलाती हूँ उन्हें, बट टाइम लग जाएगा उसमें. सो यस, हियर वी गो टू द मानसून. अगर आपने मेरा दिल्ली वाला व्लॉग देखा था आपको याद होगा मैंने एंडिंग हम लोगों ने यहीं से हम लोग लंच करके निकले थे एयरपोर्ट के लिए और वापस ब्रेकफास्ट के लिए वहीं आ गए हैं, मानसून, द फेमस मानसून. अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे तो आपने देखा होगा कि पानी पूरी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत फेमस है ये जगह. अभी तो सुबह सुबह में आए हैं ब्रेकफास्ट करें तो इतनी भीड़ नहीं है, बट यहाँ बहुत क्राउडेड होता है. बैठे बैठे हमें इतनी जगह घुमा दिया. तुम ये कहाँ कहाँ जा रहे हो, हम आज ये बता. एग्जाम के बाद अलीबाग जा रहे हो. आज का बता पहले. आज हम जा रहे हैं अक्सा बीच. हाँ, और हम जा रहे हैं पार्लर सैलो और उसके बाद जा रहे हैं पढ़ाई तो हम करेंगे नहीं, लेकिन टन टा टन 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 टारा कुछ कम. आई थिंक मसाला नहीं डाला है इसमें. अभी तनीषा का दही पापड़ी आने के लिए बचा है. चूज लिया हमने ब्रेकफास्ट, अच्छा खासा हो गया, साउथ इंडियन खाया एंड अब हम जा रहे हैं जिम, क्योंकि मैं बहुत हाईली मोटिवेटेड हूँ कि आज से ही ज्वाइन कर लूँगी. क्योंकि अगर एग्जाम जो होने तक का वेट किया तो बहुत मुझे लगता है तब तक मेरा मोटिवेशन डाउन चला जाएगा. तो एक घंटे से आई थिंक 1.5 घंटे से फ़र्क पड़ेगा नहीं. तो अभी हम जा रहे हैं जिम, जो नियरेस्ट जिम है उसमें पूछने और देखने जो मशीन मेरे को चाहिए वो एक्चुअली में है वहाँ पर या फिर नहीं, और तनीषा वहाँ जाकर रिकॉर्ड करेगी जब मैं चेक कर रही हूँ. Going to be my first gym in Mumbai और मैंने membership ले ली quarterly. I'm so happy, मैंने first day आते time waste नहीं किया और आज ले ली और आज से ही मैं gym जाऊंगी. बस अब consistency बना के रखनी है. मेरी खुशी का मंजर आप लोग देख सकते हैं. तनीषा मैडम को अपनी अलमीरा शिफ्ट करनी पड़ रही है. वो पिछले 3 महीने से एक इंडिविजुअल अलमीरा लेकर बैठी है, जबकि इसके कपड़े 1-1 मीटर के होते हैं और इसे रो में 3-3 कपड़े करके लगाए हुए हैं. अब सुनैना और तनीषा एक अलमीरा यूज करेंगे और मेरी इंडिविजुअल एक अलमीरा है. वुहू! और इसमें इस लड़ाई में जीतने में मेरा साथ दिया है सुनैना ने बहुत ही ज्यादा. तनीषा बिल्कुल माने को रेडी नहीं थी, जबकि ये पहले बॉन्ड पेपर साइन कर चुकी थी कि हाँ मैं चेंज करूंगी करूंगी, बट आज मान नहीं रही थी. बट अब पूरा मेरा बैग अब देख सकते हैं एंड हम लोग अलमीरा सेट कर. क्या कर रहे हो? कुछ बोलना चाहेगी तनीषा? तेरे लिए मैं कमोलिका, उसके लिए मैं शाहरुख. ऐसे ही होता है दुनिया में, सबको सब कुछ नहीं मिलता. तू क्या कर रहा है? उसके तो साइड करने से पहले पता कर दिया. अभी मानिए तनीषा, जल्दी से अपने कपड़े सब निकाल के डाल दे. निकाल ला, आने की देरी. तू इसको क्यों? ये देख, हमने गुलाबल से लिया. तेरे से ज्यादा पाइस मेरी है. अच्छा आकांक्षा, बता बता क्या.
डे एट द जिम इन मुंबई एंड आई थिंक फॉर माई एंटायर लाइफ एंड माई एंटायर लाइफ आई हैव पेड फर्स्ट टाइम फॉर द जिम क्योंकि अभी तक आई बीन डूइंग जुम्बा एज ऑल यू नो आई बीन अ जुम्बा इंस्ट्रक्टर तो मैंने हर जगह जहाँ भी जुम्बा कराया मैं वर्कआउट यूज की थी तो यहाँ पे आ गया आई एम नॉट लाइक बीइंग अ जुम्बा इंस्ट्रक्टर दैट आई मिस सो मच बट आई केम हियर एंड आई मिस माई वर्ल्ड जिम सो मच आई मिस फिट भी सो मच आपने मेरे ब्लॉग में पहले भी देखा होगा बट ठीक है मैं जो जो चीज़ करी ना मैं काफ़ी इंस्ट्रक्टर की याद आ रही हूँ मम्मी की याद आ रही थी to show you the gym right now agar love it alone nahi dekh rahe this is my first day so let's see with the gymming first day at the gymming I'm so happy that I did it तो मुझे बीच बीच में याद आ जा रही थी घर की जिम की फेमस की मम्मा की बिकॉज आई यूज टू गो विद टू द जिम विद मॉम तो बट आई थिंक आई गेट यूज टू इट आई एम हैप्पी दैट आई हैव जॉइंड इट एंड सो यार अभी लोग पूरे बाद में थोड़ा देखो सामान लेकर आ चुके हैं हम एंड अब जा रहे हैं घर और थोड़ा और उसके बाद भूख लग रही है सैंडविच बनाएंगे क्योंकि आंटी ने जो शेजवान राइस बनाए थे तो खत्म हो गए हैं सो यस आ चुके हैं हम वापस अपनी बेसिक डाइट पे आंटी ने आज लंच में शेजवान राइस बनाया था बहुत टेस्टी थे और मेरे को ऐसा लग रहा है कि वापस आने के बाद मेरे को इतनी ज़्यादा भूख लग रही है तो अब मैं जिम कर कर आई एंड आई वाज लाइक एक मिनट रुको तो आई वाज फीलिंग सो लो मतलब मैं रो भी गई दो तीन बार एंड घर की याद आ रही थी जिम करते हुए जो भी है आई डिसाइडेड टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ ऐसे दो घंटे फ़ोन पे लगी रही या कुछ देखती रही फिर मैंने डिसाइड किया कि ऐसे तो नहीं चल पाएगा एक काम करते डिनर बनाते हैं सबके लिए तो हम लोग सैंडविच बना रहे हैं एंड सैंडविच का क्या आई थिंक आई गो ऑफ टू स्लीप बाय टाइम टुडे क्योंकि वैसे मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है क्योंकि इतने दिन रहकर आ गई ना तो ऐसा लग रहा है कि वो फर्स्ट टाइम जब मुंबई आई थी तो घर की याद आ रही थी वही वाला सीन हो रहा है मेरे साथ तो यार आई एम मेकिंग माई डिनर और इस बार सैंडविचेस बेसिक बन रहे हैं कोई चीज़ वीज़ नहीं चल रहा बिकॉज लास्ट टाइम इतना चीज़ खा कर कहते हैं कि वेट बढ़ा गया था ओ यहाँ राइटिंग अच्छी है यहाँ बोलना चाहिए सब कुछ फर्स्ट डे मुंबई वाज गुड बट आई एम मिसिंग माई होम सो मच अभी थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में बट अभी मैं शांत मतलब तब से बात नहीं करी जब से जिम से आई क्योंकि मूड इतना ऑफ हो गया है बट आई थिंक इट विल टेक टाइम बट आई गेट लाइक सेटल विद टाइम मुंबई की मेरी पहली बारिश लोगों ने इतना स्टोरीज में डाल रखा था ना कि मुंबई की पहली बारिश तब मैं घर पर थी और मैं सबकी स्टोरीज देख रही थी बट फाइनली मेरी पहली बारिश मुंबई की ओह माय गॉड देखिए बारिश से बचने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं सीट से उठे हम यार धूल लगता है पहली बार जाते ही मिल गई इंटर्नशिप व्हाट वुड यू लाइक टू से कि फरारी कब लेनी है उसकी तैयारी करनी है मुझे तो थोड़ी पार्टी कर लेते हैं हमारी इंटर्नशिप लगी है तो हम आज आए हैं जिमीज में यहाँ के बर्गर्स बहुत टेस्टी होते हैं ऐसा सुनैना का मानना है जिमीज इज अ वेरी फेमस प्लेस सो बर्गर का पहचानी है ओ आवर फ्राइज आर योर थैंक यू God, जिसने भी बोला है कि जिमीज के बर्गर ट्राई करो एक्चुअली ट्राई करो दे आर सो बिग इन साइज ओह माय गॉड चैलेंज फॉर मी टू हैव अ बर्गर आई गेट एम्बैरस्ड एवरी टाइम आई हैव बर्गर चलिए
मैम आपको जिम कब जाना है? जिम अभी मैं जाती हूँ, बर्गर निकालूंगी, कैलकुलेट करके खाया है, इतना इतना खाया है, जब जिम जाऊंगी तो इतना ट्रेडमिल करूंगी, इतना ये करूंगी, इतना करूंगी और जिम जाके निकाल दूंगी। ओके सो लेट्स गो एंड यस, आप नहीं देख सकते बट फिर भी मैं तनीषा को मैंने दिखाया कि मेरी वीडियो बना कितने हेल्थ कॉन्शियस है। ये हमसे ज्यादा ठूसती है लेकिन पता नहीं जो ये खाती है वो जाता का है। ओ सॉरी मैंने थोड़ा ज्यादा झूठ बोल दिया। जिम करके मैं आ चुकी हूँ, अभी टाइम हो रहा है 10:30 के अराउंड और कल मैं जितना सैड थी जिम करने के बाद मुझे घर की याद आ रही थी, मम्मा की याद आ रही थी, जिम की याद आ रही थी, आज मैं उतना ही खुश हूँ कि बहुत ही अच्छा इंटेंस वर्कआउट करवाया मेरे इंस्ट्रक्टर्स ने, मेरे को बहुत बहुत मजा आया और आगे भैया ने मेरे को सरप्राइज दिया। हेलो भैया, व्हाट्सअप, इतना अच्छा मौसम हो रहा है और भैया मेरे को जिम के बाहर लेने आ गए थे एंड अब हम थोड़ा चिल कर रहे हैं, थोड़ी गेड़ी मार रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा वेदर है। सो यार दिस वाज माय फर्स्ट एंड सेकंड डे इन मुंबई। आप राजू चेंज देख ही रहोगे, फर्स्ट डे में कितनी चाय चाट की, अब कितना अच्छा मौसम हो गया, भाई भी आ गए, सो आई एम इन अ गुड मूड। सो ओके सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड कीप लाइकिंग एंड सपोर्टिंग योर गर्ल। बाय बाय। ये तो अब इंस्टाग्राम पर डालूंगी, ये दूसरी वाली व्लॉग के लिए ले रही हूँ।